साहब, जो मर्दम शुमारी के इन्होंने इन्होंने जो मर्दम शुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से जो इन्होंने जिस कमेटी के अंदर फैसला हुआ मर्दम शुमारी का, उसमें वजीर आला पंजाब बतौर पंजाब की नुमाइंदगी करने गए थे, वो तो निगरान वजीर आला है, आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है, आपके मुताबिक कानून के मुताबिक वो वजीर आला है ही नहीं, तो फिर उस मर्दम शुमारी का भी कोई हैसियत नहीं है सर, उस फैसले की भी कोई हैसियत नहीं है क्या? नहीं, कोई उसकी उसकी ये हैसियत नहीं है कि वो इस इलेक्शन पे किसी तरह भी असरअंदाज हो। वैसे उसकी है, उस मर्दम शुमारी को इस्तेमाल करना चाहिए हुकूमत को अपने तखमीने बनाने के लिए, अपने प्लान्स बनाने, मंसूबे बनाने के लिए, बहुत कुछ उससे हो सकता है। उसका ये नहीं कि वो जीरो हो गया, पर आईन में इलेक्शन के से मुतल्लिक उनका या वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के मुतल्लिक उसका कोई असर नहीं है। आईन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो। आजकल आजकल आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं, आप गूगल करके उसको फॉलो भी करें जी सर, अलबामा की रियासत जो अमेरिका की है, वहाँ हर रियासत, वहाँ कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है अमरीका में, कोई राजा सुल्तान नहीं है अलहमदुल्ला वहाँ, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एक बंदा सदर को भी डिस्प्लेस कर रहा हो और खुद ही सारा कानून बनाओ। वहाँ हर रियासत के पास अपना कानून है कि किस तरह उन्होंने अपने MNA जितने उनको कांग्रेसमैन मार्क हुए हैं या उनके खाते में हैं उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक, वो उन्होंने किस तरह इलेक्ट होना है ये उस रियासत ने फैसला कर, यानी पंजाब का अपना कानून होगा, खैबर का अपना, सिंध का अपना। अब ये आजकल केस चल रहा है, वो जो रियासत है अलबामा की, उन्होंने गलत कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई हैं, गलत हैं, इलीगल है। उन्होंने उनकी कोशिश क्या थी कि दो हल्के, दो लेट से MNA, दो कांग्रेसमैन, एक हल्के की बजाय दो कांग्रेसमैन एक इलाके में इलेक्ट हो रहे हैं, और उन दोनों में मिला के स्याफाम आबादी ज़्यादा है, स्याफाम आबादी ज़्यादा है। अब इन्होंने क्या किया, जो लोकल रियासती हुकूमत थी मतलब पंजाब की हुकूमत, उसने क्या किया कि इस तरह जो थोड़े थोड़े गोरों के इलाके थे उनको यो जेरीमैंडरिंग कहते हैं, जेरीमैंडरिंग यू करके उनको निकाल के और दो हल्के कर दी, एक जिसमें सारी काली आबादी चली गई, एक जिसमें गोरी आबादी रह गई। तो इस तरह रिपब्लिकन्स को और गोरों को कम अज कम एक सीट मिल गई, दोनों नहीं मिल सकती थी जी। दोनों जाती थी स्याह फार्म को क्योंकि उनकी अक्सरियत थी, पर उन्होंने जेरीमैंडर करके और इलीगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, ये इलीगल थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में ये आया, ये कहा कि जी इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक ये ठीक नहीं होता, और इसको ठीक करने में और इसको प्रॉपर बनाने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल है, अच्छा ये इलीगल है, आप इस इलीगल पे भी कराएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई लिमिटेशन डीलिमिटेशन, कोई हल्का बंदियाँ, कोई रास्ते में नहीं आएंगे। ये इलेक्शन होता है ऑन द सेकेंड ट्यूजडे ऑफ एवरी नवंबर, ये उसी दिन होगा, कोई हम नहीं जानते कि जी इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं, ये आजकल चल रहा है। तो ये हल्का बंदियाँ तो बिल्कुल इसके मातहत हैं, असल जो रियासत की दिलचस्पी है या इंटरेस्ट है रियासत का वो है कि इलेक्शन इन टाइम हो। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे एक तजाद ये है एहसन साहब कि हमारी सुप्रीम कोर्ट वाज़ह हुक्म देती है, ये हम नहीं देखेंगे इस वक्त इलेक्शन का।